सो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद ज़ुबैर। और दोस्तों, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास आईफोन है और व्लॉगिंग करते हैं या वीडियोस बनाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। या आप नए नए आपने यूट्यूब चैनल खोला है और आपके पास आईफोन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि आप वीडियोज़ बना तो लेते हैं आईफोन पे 4K 60 पे, लेकिन वो फाइल्स इतनी बड़ी हो जाती हैं, 10 GB 12 GB 15 GB की फाइल, कि आपको कोई कन्वीनियंट शेयरिंग मेथड नहीं होता है अपने लैपटॉप में भेज के उसको एडिट करने के लिए। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप अपने इस आईफोन से कैसे बिल्कुल सीमलेसली बहुत ही कम टाइम में कैसे फाइल अपनी सेंड कर सकते हैं लैपटॉप में, और जिसमें से मैं बोलूंगा आईट्यून्स का बहुत ही कम यहां पे इंटरफेरेंस है, और जो नॉर्मली होगा वो सिर्फ मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको बहुत ही कन्वीनियंट और सक्सेसफुल मेथड है, मैं यही यूज़ भी करता हूं, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने ऐप स्टोर पे चले जाना है। ऐप स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे जब आप VLC सर्च करेंगे तो आपको VLC फॉर मोबाइल ऐप आएगा। VLC फॉर मोबाइल आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपको इसको क्लोज़ कर देना है। और सपोज़ यहाँ पे मैं अपने इसमें कोई भी एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, वीडियो फाइल। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और कोई भी एक वीडियो फाइल, सपोज़ मैं ये एक वीडियो फाइल है ये ले लेता हूँ, और इसको मुझे सेलेक्ट करना होता है और सेव टू फाइल्स करना है। जब सेव टू फाइल्स आप करेंगे तो आपके ऑन माय आईफोन के अंदर आप देख सकते हैं VLC नाम का ये फोल्डर जो है वो शो हो गया है। तो इस पे आपको सेव करना है इस फाइल को, ये ज़रूर याद रखिए। आप और किसी फोल्डर में यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपको नहीं होगी ये सारी प्रोसेस, तो आपको VLC के अंदर यहाँ पे सेव कर देना है। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, मैंने यहाँ पे KTM के नाम से सेव कर दिया है और ये सेव कर दी मैंने फ़ाइल। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, फाइल्स के अंदर जाऊँगा, VLC के अंदर जाऊँगा, आप देख सकते हैं ये KTM 96 MB की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे शो हो गई है मुझे। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने लैपटॉप पे अगर इसको लेना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने फ़ोन को केबल से कनेक्ट कर लेना है और लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद अपने लैपटॉप दोस्तों यहाँ पे अपने लैपटॉप खोलने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है फ़ोन को। उसके बाद यहाँ पे आपको चले जाना है iTunes पे। iTunes पे जाने के बाद आपको फाइल शेयरिंग ऑप्शन पे जाना है, और फाइल शेयरिंग ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे VLC पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही हमने VLC पे सेलेक्ट किया तो जो भी हमारी इमेजेस या वीडियोस जो भी हमारी उस फोल्डर में पड़ी हुई हैं सेव टू फाइल्स, जहाँ पे अंदर मैंने दिखाया था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये हमारी आप देख सकते हैं ये तीन फाइल्स जो हैं ये तीन यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कनेक्ट किया लैपटॉप पे भी हमारी तीनों फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब मैंने यहाँ पे KTM, सपोज़ ये वीडियो मुझे करनी है अपने लैपटॉप पे, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेव करना है, ऐड फाइल नहीं करना है, सेव करना है। और सेव करने के बाद यहाँ पर मुझे सपोज़ मैं कोई भी एक फ़ोल्डर ले लेता हूँ, डेस्कटॉप ही ले लिया मैंने नॉर्मल, और यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। आप देख सकते हैं ऊपर कॉपिंग चल रहा है यहाँ पर, और कितनी फास्ट होता है यहाँ पे। एक बार आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको ये वीडियो आ गई है और आप यहाँ पे सीमलेसली इसको चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। इसके अलावा अगर आपको लैपटॉप से अपने फ़ोन पे वीडियो डालनी है तो आपको ईजिली कुछ नहीं करना है, इसी चीज़ में ऐड फाइल में चले जाना है। और वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड, सपोज़ ये आप मूवी देख रहे हैं रश्मि रॉकेट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ओपन आपने कर दिया, तो आप ऊपर देख सकते हैं ये कॉपिंग चालू हो गई है। और अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगी कॉपिंग तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी से मुझे शो हो गया है रश्मि रॉकेट, और जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक हमारी सक्सेसफुल फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है वीडियो इंपोर्ट करने का और एक्सपोर्ट करने का। अगर आपके पास मैकबुक नहीं है, नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप है और आपके पास आईफोन है, तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही फास्ट मेथड है, आप इसके थ्रू सारी चीज़ें कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि ये लोगों तक ज़्यादातर पहुंच जाए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें,
और इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट लेटर।